प्रीवियस वीडियो से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मिनरल रिसोर्सेज पढ़ लिए थे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर के उसको देख लीजिए, जिसका आई बटन पे हम लिंक भी लगाए दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाले दे रहे हैं। तो पूरा चैप्टर का नाम आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, तो मिनरल्स पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, एक एक कन्वेंशनल है और दूसरा नीचे देखोगे आप नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को कहते हैं जिनको हम जनरेशन से यूज करते चले आ रहे हैं, विच हैव बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत पहले से हमारी जनरेशन भी यूज करती है उसको चली आई है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब, ठीक है। जैसे आप अगर एग्जांपल से देखोगे तो पुरानी मूवीज देखते होगे जिसमें ट्रेन वगैरह किससे चलती थी, कोयले से चलती थी, राइट। तो वही सब कन्वेंशनल है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, इनके सिलेबस में इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है, या इनके लिमिटेशन या ड्रॉबैक डिसएडवांटेज को इन नेम से भी जान सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले तो ये जान लो कोल के यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले जानो कि ये थर्मल पावर प्रोड्यूस करने में, थर्मल पावर की जनरेशन में यूज होते हैं। इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, वो थर्मल पावर से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कई टाइप के पावर होते हैं, जैसे जियो थर्मल होता है, ठीक है, बायोगैस है, रेडियो एक्टिव है, ऐसे ही थर्मल पावर है, ठीक है, जिसमें कोल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दूसरा है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर बनाने में भी इसका यूज होता है, उसको कोक कोल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ नॉन कोकिंग को ग्रेड, ठीक है। तो अभी हमने बताया ना कि कोक कोल जो है वो यूज होता है, ठीक। तो हमें हमारे यहाँ जब आप इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि इंडस्ट्री चैप्टर की लिमिटेशन क्या है, तो उसमें यही कि हमारे यहाँ जो है कोकिंग कोल जो है वो कम है, ठीक। तो वो हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए हमारे यहाँ जो है आयरन तो ठीक ठाक है लेकिन स्टील, आयरन स्टील का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। ये यहाँ से आप एक कंसेप्ट बना सकते हो। चलो कोल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे आपके और चीज़ें बहुत आसानी समझोगे। तो इंडिया एक तो दो कैटेगरी में क्वालिफाई करी जा सकती है, एक तो गोंडवाना कोल फील्ड और दूसरा टर्सियरी कोल फील्ड। गोंडवाना किसे कहते हैं, बिलोंग्स टू दी कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक। अब देखो ये है टाइम स्केल, ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल है, या कह सकते हो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, उन पीरियड्स के नेम दिए गए हैं। जैसे देखो अनवांटेड साउंड बेटा आएगी तो उसको इग्नोर करिएगा, जैसे कार्बोनिफेरस, ठीक है, और ऐसे कई सारे और भी नेम हैं, ठीक है, जैसे जुरासिक है जिसमें आपके डायनासोर वगैरह होते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो कार्बोनिफेरस पीरियड कब से कब तक है, 570 मिलियन ईयर्स टू 245 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक, ये पीरियड है। ये जो पाए जाते हैं कहाँ पे, फाउंड इन दामोदर महानदी, गोदावरी और नर्मदा वैलीज में, ठीक है, ये रिवर्स हैं, इनकी वैलीज में ये पाए जाते हैं। रानीगंज, झरिया, बोकारो, रामगढ़, गिरडीह, चंद्रपुर, करनपुर, तातापानी, तालचेर, सिंगरेनी, सिंगरौली, ये सब इम्पॉर्टेंट कोल माइन है। पूछा जा सकता है आपसे कि गोंडवाना टाइप की कोल माइन की कोई दो सोर्स बताओ, ठीक है, या कोई दो फील्ड बताओ, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक। बहुत सिंपली आपको समझा रहे हैं, आप दो बार वीडियो देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कोई दो टर्सियरी फील्ड बताओ, तो ये किससे बिलोंग करते हैं, ये ओलिगोसीन पीरियड से बिलोंग करते हैं, जैसे ये कार्बोनिफेरस से थे, ये ओलिगोसीन से। हालांकि आपसे ये पीरियड नहीं पूछा जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, आगे काम आएगा आपके। तो ओलिगोसीन पीरियड कब से कब तक, 15 to 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक, यानी ये लेट में बने, इसीलिए ये चीप क्वालिटी के कोल होते हैं जो टर्सियरी हैं। गोंडवाना अच्छी क्वालिटी के कोल होते हैं। अब देखो ये कौन से कोल होते हैं, लिगनाइट टाइप के होते हैं। अभी नीचे हम कोल के टाइप आपको पढ़ाएंगे बताएं। देखो यहाँ पे एंथ्रेसाइट लिखा हुआ है, तो लिगनाइट टाइप यानी सबसे चीप कोल है। ये कहाँ पे पाया जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और इसके अलावा नागालैंड, यूपी, इन सब जगह पे ये टर्सियरी कोल पाए जाते हैं। तो एक तो इनका क्लासिफिकेशन दो टाइप का हुआ, कौन कौन सा बेटा, गोंडवाना और टर्सियरी। अब ये कोल के टाइप है, ठीक है, ये कोल के टाइप है, फोर टाइप के होते हैं। जैसे आयरन आपके फोर टाइप के थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ऐसे कोल के टाइप है। कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आपको पता है बिटुमिनस ही ग्रेफाइट और फिर डायमंड बनता है, ठीक। एंथ्रेसाइट जो है ये हार्ड कोल होता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है, हाईएस्ट क्वालिटी होती है, 80 to 90% इसमें कार्बन होता है, ठीक, बाकी इंप्योरिटीज होती है। वेरी लिटिल वोलेटाइल मैटर एंड वेरी लेस मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए इसमें स्मोक वगैरह बहुत कम निकलता है, सबसे अच्छा कोल होता है। इट हैज शॉर्ट ब्लू फ्लेम, ठीक, शॉर्ट ब्लू फ्लेम इसकी होती है, और कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, इंडिया में कम पाया जाता है एंथेमिनस टाइप। ऊपर एंथेसाइट वाला ऊपर बताया भी है कि इंडिया में बिटुमिनस टाइप कोल पाया जाता है।
बिटुमिनस को क्या कहते हैं, ब्लैक कोल कहते हैं, जैसे इसको हार्ड कोल कहते थे ऐसे इसको ब्लैक कोल कहते हैं। इसमें 60-80% कार्बन होता है। कॉमर्शियल यूज के लिए सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर है आपका बिटुमिनस, यूज इन मेकिंग कोक यानी कोकिंग कोल, ठीक है। फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये रीजन है जहाँ पे बिटुमिनस पाया जाता है। बेटा ये चीज पूछ लिया जाता है कि बिटुमिनस कोल कहाँ पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है, ठीक। फिर आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं, ये 40-60% इसमें कार्बन होता है। तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान, असम, नागालैंड, केरला, इन सब जगह पे पाया जाता है। और सबसे चीप क्वालिटी जो है बेटा पीट कोल है, ठीक है, सबसे घटिया क्वालिटी जो होती है वो पीट होती है, 40% या इससे लेस कार्बन इसमें होता है, चीपेस्ट क्वालिटी है, ठीक। तो 4 टाइप याद रखना, कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलो आगे देखते हैं अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो देखो ये आपकी नॉलेज के लिए कि वर्ल्ड प्रोड्यूस में इंडिया का 3rd पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, और सेकंड पे कौन है, अमेरिका, ठीक। अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन टॉप पे कौन है, छत्तीसगढ़। इसका बेटा खुद अपने आप से वर्क करना, एक चार्ट बना लेना, ऐसे लिखना एक तरफ आयरन, ठीक है। तो आयरन में टॉप पे कौन था, ओडिशा था, ठीक है। फिर जैसे आप बनाओगे मैग्नीज, तो टॉप पे कौन था वो यहाँ पे लिखना, कॉपर टॉप पे कौन था यहाँ पे लिखना, ठीक है। ऐसे फिर कोल, तो टॉप पे कौन है, इस तरीके से बनाना एक साथ में देखना, तो चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी, ठीक है। ये एक ट्रिक है ये चीजें याद रखने की। तो टॉप पे कौन है, छत्तीसगढ़ टॉप प्रोड्यूसर है। 3rd रैंक है रिजर्व में आफ्टर झारखंड एंड ओडिशा, यानी ध्यान दो प्रोड्यूस में टॉप पर छत्तीसगढ़ है लेकिन रिजर्व में टॉप पर झारखंड है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना कभी अपनी बुक से या कहीं किसी सोर्स से कि वहां तो झारखंड लिखा, झारखंड में सबसे ज्यादा कोल है लेकिन प्रोड्यूस वो सबसे ज्यादा नहीं करता है, प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कौन करता है, छत्तीसगढ़ करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन कितना है, प्रोड्यूशन में ये 3rd रैंक पे है, टॉप पे झारखंड है और 2nd पोजीशन ओडिशा की है, फिर छत्तीसगढ़ की है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में डिपॉजिट्स है वो कहाँ कहाँ पे है, सरगुजा, सुंदरगढ़ और राजगढ़, ठीक, इन सब जगह पे है। देखो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट है, कौवा वगैरह सब यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं, हम छत पे बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक। दूसरा आपका झारखंड है, ठीक है, रिजर्व में टॉप पर है और प्रोड्यूसिंग में 2nd पे है। यहाँ पे कौन कौन से, धनबाद, गहंगा आप वासेपुर देखे होगे तो धनबाद वगैरह तो खूब सुने ही होगे। झरिया लार्जेस्ट कोल माइन है बेटा, 2-3 बार ये पूछ चुके हैं, तो ये तो आप जान लो कि फिर पूछा ही पूछा जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया, तो कौन सी है बेटा, झरिया, किस स्टेट में है, झारखंड में, याद रखना ये पूछा ही पूछा जाएगा। और गिरडीह, ठीक, हजारीबाग और पालामऊ, ये प्लेसेस है यहाँ पे। फिर आ जाओ ओडिशा, तालचेर कोल फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ कहाँ तक है, स्ट्रेचिंग ओवर ढेंकानल एंड संभलपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के नेम है, वहाँ पे ये तालचेर नेम का कोल फील्ड है या कोल माइन है, ठीक है, कहाँ पे, ओडिशा में। इसके अलावा और भी स्टेट यहाँ पे प्लेसेज हैं, अदर आर बांकुड़ा, ठीक है, बर्धमान, रानीगंज, ये सब वेस्ट बंगाल के हैं, सिंगरौली और सतपुड़ा, बैतूल, ठीक है, और चित्रासानी, ये मध्य प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है, इन सब जगह पे कोल पाया जाता है। अब है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो कोल के एडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे पहले कि बेसिक रॉ मटेरियल जैसा यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, यानी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थर्मल पावर प्लांट में, जैसे अभी मैंने बताया कि कई तरीके की पावर जनरेशन होता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, विंड है, सोलर है ना, तो ऐसे थर्मल पावर है, तो वहाँ पे बेसिक रॉ मटेरियल, क्योंकि इसी को जलाया जाता है फिर बनती है। यूज इन फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, डोमेस्टिक पर्पजेज में यूज होती है, जैसे अंगीठी वगैरह जलाई जाती है, बोनफायर वगैरह जलाया जाता है, अभी तो इलेक्ट्रिक प्रेसेस आ गए हैं, अदरवाइज कपड़े प्रेस करे जाते थे, इसे हो सकता है कोई जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। इजी रीच है, मतलब आसानी से ये मिल जाते हैं, ठीक है। दरअसल जो कोल की माइनिंग होती है, उसको माइनिंग नहीं, उसको क्वेरिंग कहते हैं, क्योंकि जो भी मिनरल्स टॉप, मतलब ज्यादा डिगिंग करने से पहले ही ऊपर ही मिल जाते हैं, ऊपरी लेयर में, उनको क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ इसके अलावा क्या है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आयरन स्टील, अभी बताया था कोक कोल जो है वो यूज होता है। यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में जो है स्टोन, कोल, यही सब जो है क्रश करा जाता है, और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में, उसको कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर से निकाला जाता है, फिर वही सीमेंट बनता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल है बेटा। ये जो है आपके मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, जैसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल होते हैं, ऐसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिन्यूएबल वो होते हैं जो फिर से रिप्लेनिश हो जाते हैं, जैसे मान लो वेजिटेशन है, पेड़ है, तो इसको आप काट के यूज कर लोगे, दूसरे पेड़ फिर लगा लोगे, फिर से बन जाएंगे, ठीक। लेकिन
जो कोल है इसमें क्या बनता तो कोल फिर से, लेकिन जिस प्रोसेस से बना है वो इतनी आसानी से फिर से वो रिप्लेनिश नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोल बनने में मिलियंस बहुत सारे ईयर्स लग गए, ठीक है, तो इतनी जल्दी फिर से कोल नहीं बन सकता, ठीक। तो ये चीजें नॉन रिन्यूएबल कहलाती हैं। और देखो मैं बार बार आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं इसलिए एक चीज बताए दे रहा हूं, यही जो ये ड्रॉबैक है ना, यही पेट्रोलियम के साथ में भी है और नेचुरल गैस के साथ में भी है कि ये सब नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, और इनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक। और क्वालिटी ऑफ कोल इन इंडिया इज लो, इंडिया में जो कोल की क्वालिटी है वो ज्यादा टर्सियरी टाइप का कोल है, तो चीप कोल है, ठीक। लिमिटेड रिजर्व्स इन इंडिया, इंडिया में भी मतलब जैसे एक तो ये मान लो ग्लोबल लेवल पे कह सकते हो, ग्लोबल लेवल पे भी जो है कोल कम है, मतलब इतना नहीं है जितनी हमारी नीड है, जल्दी ही ये खत्म हो जाएंगे। अगर इंडिया में बात करो तो इंडिया में भी लिमिटेड रिजर्व्स है। इट काजेज पोल्यूशन व्हेन एक्सट्रैक्टेड एंड व्हेन बर्नड, जब एक तो निकाला जाता है तो पोल्यूशन क्रिएट करता है, जैसे उसमें जो छोटे छोटे एरोसोल्स वगैरह होते हैं वो एयर पोल्यूशन करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब थर्मल पावर प्लांट्स में उसको बर्न करा जाता है तो काफी ज्यादा फ्यूल निकलता है, कार्बन निकलता है, तो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। और सेम विथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सेम चीज उसी उसके साथ में भी है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम के एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस है कि ये यूज्ड एज फ्यूल एंड लुब्रिकेंट इन डिफरेंट फॉर्म। एक तो फ्यूल में यूज होता है जैसे पेट्रोलियम चीज है, तो ठीक है, तो पेट्रोलियम से क्या क्या, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और ग्रीस, मोबिल ऑयल, वैसलीन, ठीक है, ये सब मोबिल ऑयल वगैरह और ग्रीस, ये सब क्या लुब्रिकेंट है। इवन लुब्रिकेंट आपका जो वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली, ठीक है, अभी ठंडी चल रही है लोग लगाते हैं, वो भी इसी से आता है। फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, ये सब तो हो ही गया, तो इन सब फॉर्म में यूज होता है। देखो नीचे लिखा भी है, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल, केरोसिन, ग्रीस, ये सब, ठीक। फिर है यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक रबर, फाइबर, ये सब भी जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यूज्ड इन पेंट्स, ठीक है, वर्निशेज, वैक्स, ये सब भी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, ठीक। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एक तो ऊपर बताया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह, दूसरा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में इनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, इसलिए इनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाता है जब इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा रिजर्वर से फुल यूटिलाइज नहीं कर मिलता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कमी की वजह से। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, एक तो मुंबई है, यहाँ से मैप का भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक कोल माइन आपसे पूछेंगे, एक आयरन माइन पूछेंगे और एक आपसे पूछेंगे पेट्रोलियम का। तो मुंबई हाई, ठीक है, ये जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, अभी नीचे मैप बना होगा बताएंगे, तो यहाँ पे, ठीक है, ये ओशन के अरेबियन सी में बना हुआ है, तो मुंबई हाई है 176 किलोमीटर आप मुंबई, यानी इस जगह पे मुंबई है, यहाँ से 176 किलोमीटर अंदर वाटर में बना हुआ है अरेबियन सी में, ठीक है। सागर माथा इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जहां पे यहां से डिगिंग करी जाती है, इसका नाम सागर माथा है। और इसका ईस्टर्न रीजन में, यानी इन जगह पे, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे डिगबोई फील्ड है असम में, ठीक है, ये बेटा ओल्डेस्ट है, याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया और फिर पूछा जा सकता है, इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सी है, तो डिगबोई है, ठीक है। फिर वेस्टर्न रीजन में आ जाओ तो यहाँ पे कलोल, कोयली और अंकलेश्वर, ये गुजरात में है, ठीक है, यानी इस जगह पे है, ठीक है, कलोल, कोयली और अंकलेश्वर, अंकलेश्वर बड़ा जो है ऑयल फील्ड है, ठीक। अब आ जाओ नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस में खास बात ये जान लो, जहां जहां पे पेट्रोलियम मिलता है वहीं वहीं नेचुरल गैस मिलता है। यूजेस क्या क्या है, यूज्ड एज एलपीजी एंड पीएनजी इन डोमेस्टिक फ्यूल पर्पजेस, यूज्ड एज सीएनजी इन ट्रांसपोर्ट, ठीक, फाउंड एट सेम प्लेस वेयर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड, राइट। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी, अगर आप पेट्रोलियम और कोल देखे हो तो इसका भी देख सकते हो, यहाँ पे मैप बना हुआ है, मैप में चीजें आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, वैसे मैंने चीजें बता दी हैं तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी इसमें, ठीक है। अब जो है ये सब जो है ये जो है आपके नॉन कन्वेंशनल है, मतलब जो अभी नया नया यूज होना शुरू है, जैसे आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, सोलर विंड, ठीक है, ये सब बायोगैस, ये सब भी जल्दी शुरू है, तो ये सब कौन से हैं, ये सब नॉन कन्वेंशनल वाले हैं और ये सब रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब ये, जैसे अभी सोलर एनर्जी है तो भाई सोलर एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाली नहीं है, विंड कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये सब, तो एक तो चीजें जो खत्म ना हो, दूसरी ये भी हो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाए, तो उन सबको हम किस में रखते हैं, रिन्यूएबल में रखते हैं। तो हाइड्रल पावर का देखो, हाइड्रल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एडवांटेजेस क्या क्या है, पहला कि रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी ये रिन्यू हो जाएगी, नॉन पोल्यूटिंग, इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, भाई इसमें कोई बर्न करना नहीं है, कोई इसमें से स्मोक निकलना नहीं है, तो क्या होगा,
बिल्ट विथ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब जैसे अभी भाखड़ा नंगल डैम वगैरह का नेम आप सुनोगे ना, तो कई सारे मल्टीपर्पज का मतलब होता है, जैसे मान लो कहीं पे फ्लड आती है तो वहाँ पे एक डैम बना दिया गया, अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से एक लेक निकाली जाएगी जिसमें वाटर स्टोर होगा, तो वहाँ पे फिशिंग भी होगी, यहाँ पे फॉरेस्टेशन भी होगा, ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस भी बनेंगे, यहाँ से कैनाल भी निकाली जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, बोटिंग वगैरह भी होगी, तो यही सब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। फिर एक ग्रेट सब्सटीट्यूट ऑफ पोल्यूशन कॉजिंग एंड लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स, मतलब ये सब्सटीट्यूट है किस चीज़ का, जो पोल्यूशन कॉजिंग एनर्जी रिसोर्सेज है उनका एक सब्सटीट्यूट है, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक। और ये भी है लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब दो चीज़ें, आपको अगर पोल्यूशन से बचना है और अगर आपको जो एनर्जी रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, ठीक है, उससे उस पर काबू करना है, तो आप जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनको यूज करिए, जिसका एग्जाम्पल आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, और ये कॉमन हो जाएगा अगले वाले में भी, है ना। फिर आ जाओ डिसएडवांटेजेस पे, एक सेकंड बेटा, हाँ डिसएडवांटेजेस पे आ जाओ, तो डिसएडवांटेजेस से क्या क्या है, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल का मतलब वाटर टेबल लेवल डिस्टर्ब, वाटर टेबल का लेवल डिस्टर्ब होता है, डिप्राइवेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इवन ह्यूमन भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल लॉस हुआ। अब इसको हम आपको ब्रीफ करते हैं कि कैसे कैसे होगा। जैसे मान लो कहीं पे एक डैम बनाया गया, तो यहाँ से वाटर परकोलेशन होगा तो वाटर टेबल क्या होगा, हाई होगा, तो बैलेंस बिगड़ेगा, वाटर टेबल लो हो जाएगा तो भी गलत बात है, और हाई हो जाएगा तो भी लैंड का सबमर्जेंस हो जाता है, मार्सी लैंड क्रिएट हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इवन इकोलॉजिकल डिसबैलेंस ऐसे होता है, महाराष्ट्र में बेटा एक एग्जांपल है, कोयना डैम बना था, तो कोयना डैम वहाँ बनने से क्या हुआ था, वहाँ पे चूंकि जो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह पढ़े हो ना क्लास नाइन्थ में, तो उसमें डिसबैलेंस क्रिएट हो गया था, तो काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था वहाँ पे, तो ये सब लॉस होते हैं। फिर जहाँ पे वो बनेगा वहाँ के फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे किया जाएगा, तो वहाँ के वाइल्ड लाइफ चले जाएंगे, इवन ह्यूमन लाइफ भी वहाँ से जो है वो डिप्राइव होती है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं। जियोलॉजिकल लॉस होता है, जियोलॉजिकल देखो अर्थक्वेक अभी मैंने बताया कोयना डैम वाला, ठीक, और नीड ह्यूज कैपिटल, एक भी ये भी डिसएडवांटेज है कि मतलब जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो जैसे मान लो ये हवा और प्रकाश मतलब सनलाइट और विंड ये सब तो सब कहीं फ्री है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज अभी इसका यूज़ नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि एक तो उनके पास कैपिटल नहीं है, दूसरों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक। अब हमको दो टू पढ़ने हैं ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, एक तो भाखड़ा नंगल डैम, दूसरा हीराकुड। सिलेबस में इतना था कि उनका लोकेशन और स्टेट बेनिफिटेड इतना पता करना है। भाखड़ा नंगल डैम से बेटा गोविंद सागर नाम की लेक बनी हुई है, अब देखो कहाँ लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, सतलज रिवर पे, रट्टा मार जाओ याद कर लेना, सतलज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। इसके क्या क्या और कौन कौन से स्टेट बेनिफिट होते हैं, हिमाचल प्रदेश में है तो वो तो होगा ही, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है, ये सब बेनिफिटेड होते हैं, किस फॉर्म में, इनको ये वाटर प्रोवाइड कराता है इरिगेशन वगैरह के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक, बस इतनी चीज़ जाननी है। दूसरा हीराकुड बेटा ओडिशा में है, महानदी पर बना है, ठीक है, इरिगेशन एंड पावर सप्लाई इन ओडिशा, इसका केवल ओडिशा में ही इसका बेनिफिट है, ठीक। अब आ जाओ सोलर एनर्जी पर, सोलर एनर्जी भी बेटा कैसा है, रिन्यूएबल है, ठीक है, जैसे विंड है, बायोगैस है और न्यूक्लियर एनर्जी है, इन सब के साथ में ये भी रिन्यूएबल, मतलब ये भी जान लो एक साथ में, बार बार जैसे आपको अलग अलग रट्टा न मारना पड़े। वन ऑफ दी बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का मतलब बेटा कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ठीक, जो खत्म हो जाती है, तो उनका बेस्ट सब्सटीट्यूट है, जैसे कि विंड भी है, बायोगैस भी है और न्यूक्लियर भी है, ठीक, मतलब ये मैंने सेम इसलिए लिख दिया है कि ये एडवांटेजेस आपको फिर विंड में नहीं पढ़ने पड़ेंगे, फिर से बायोगैस में नहीं पढ़ना, उनके लिए भी ये चीज़ कॉमन है इसलिए लिख दिया है, ठीक, मैंने इजी किया है आपके लिए चीज़ें, चीप है और कन्वीनियंट है, ठीक, क्योंकि सोलर एनर्जी में जितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जितना कैपिटल लगता है उतना सोलर वाले में नहीं लगता है, आप अपनी छत पर भी एक सोलर प्लेट लगा करके अपने काम भर के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो चीप और कन्वीनियंट है, ठीक, और पोल्यूशन नहीं होता है इससे, तो ये सबसे अच्छी बात है, और ये भी चीज़ कॉमन है, ठीक है, हाँ बस इतनी सी चीज, ठीक है। देखो बेटा पीडीएफ का मैंने बताया था सबसे पहले कि अगर यहाँ से आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको यही पीडीएफ हमसे चाहिए तो बेटा इसका चार्ज है ₹30 चार्ज है, आप हमारे यूपीआई नंबर पे, ठीक है, जो कि हमारा 9838439205 है, उस पर आप पे करोगे ₹30, पे करके स्क्रीनशॉट हमें भेजोगे तो हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे। वैसे भी जब सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकेंगे तो फिर एक कम्बाइंड पीडीएफ भी आपको हम उसको बेटा फ्री नहीं दे पाएंगे, उसकी कॉस्ट पड़ेगी, तो हम आपको बता देंगे, तो आप उसको ले सकते हो।
लोकेशन कहाँ कहाँ है, मतलब इसकी मतलब जो सोलर एनर्जी है कहाँ कहाँ पे। तो देखो वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है वो भाडला सोलर पार्क है, और कहाँ पे है, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ही जोधपुर राजस्थान में भाडला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, प्राउड मोमेंट इंडिया में है। ठीक, विंड एनर्जी, अब आ जाओ विंड एनर्जी के एडवांटेजेस वही हैं जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े, इसके सोलर एनर्जी के ऐसे। वक्त एक चीज और साथ में, लार्जेस्ट विंड मिल क्लस्टर्स इन तमिलनाडु, तो सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक, कैसे याद रखोगे, वैसे भी राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो इससे याद रख लो। और विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। ठीक, अब आ जाओ न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर पावर के एडवांटेजेस क्या क्या है, सेम है जब, यानी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था किसके साथ में, सोलर एनर्जी के साथ में। ठीक, और लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ पे है, तो वही पावर स्टेशन यहाँ पे देख लो, ये याद रख लेना बेटा, पूछा जाता है। कैगा नेम है जो कि कर्नाटका में है, काकड़ापाड़ा गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कुडानुकुलम तमिलनाडु में है। ठीक, इनको आप वीडियो फिर से एक बार बैक करके देख लो और इनको याद कर जाओ। इसके बाद फिर लास्ट हमारा है बायोगैस, एडवांटेज क्या क्या है, बाकी चीज़ें सब ऊपर वाली हैं जो हम लोगों ने अभी सोलर वाले में पढ़ा है। इसके अलावा ये है कि रेसिडुअल्स यूज्ड एज मैन्योर, इससे प्रीवियस ईयर में बेटा इसका क्वेश्चन आया है कि हाउ रेसिडुअल्स आर यूज्ड ऑफ बायोगैस, तो इसका जो रेसिडुअल होता है एज ए मैन्योर यूज होता है। बेटा इसकी वर्किंग यही है कि जो भी जो काउ डंग्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है या जो वो सब क्या करते हैं, ठीक है, उसी सबसे बायोगैस बनती है, फिर जो चीज़ें बच जाती हैं उसको एज ए मैन्योर यूज कर लेते हैं, जो कह सकते हो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ठीक, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, तो प्लांट्स आर एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर इंडिया, इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नेचुरल जो है एनर्जी रिसोर्स या नेचुरल मिनरल तो है नहीं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली कहीं पाया जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया ही है। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक है, उसमें पिछले वाले में, आप इसको एक बार फिर से हम इसको स्क्रॉल किए दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो है नोट डाउन कर लो, पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमने आपको प्रोसेस बता ही दिए हैं। और ये जान लो ये इतना प्रीवियस ईयर जितना मैंने पढ़ाया ये सारे उसी से सॉल्व हो जाने हैं, और अगर आप इतना कर लोगे तो फिर इसमें 10 out of 10 आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर करिए, बेटा देखो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अपना सब इसे बहुत बिजी चल रहे हैं लेकिन आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये है बेटा, अगर सपोर्ट करते रहोगे तो हम और आपको सारा आप प्रिपेयर करवा देंगे, अदरवाइज अगर डिस्करेज करोगे तो फिर आप लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, जय हिंद स्टूडेंट्स।